तीन दिन हो गए दिल्ली में जो वायलेंस चल रही है वो लगभग उन्हीं साइट्स पर है जहाँ पे करीब एक महीने से, कई जगह डेढ़ महीने से महिलाएं धरने पे बैठी थी। नागरिकता कानून जो बना है, नागरिकता संशोधन कानून CAA, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रही थी और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण चल रही थी। उनमें से एक जगह चांदबाग ख़ास तौर से मैं गया था और मैंने आधे घंटे वहाँ बातचीत रखी थी। ये जमुना नदी के ईस्ट में जो इलाका है दिल्ली का, जिसको ईस्ट दिल्ली या पूर्वी दिल्ली कहते हैं, वो इलाका है और मेट्रो स्टेशन सीलमपुर से शुरू होता है। एक दूसरा मेट्रो स्टेशन भी बना हुआ है, उसका नाम है वेलकम कॉलोनी। और वेलकम कॉलोनी वो इलाका है जहाँ 1992 में 11 दिसंबर को हिंसा हुई थी। मैं वहीं था उस वक्त, मैं मेन रोड पे था और अंदर आग लगी हुई थी, गोलियों चलने के निशान आवाज़ें आ रही थी, लेकिन पुलिस ने अंदर जाने नहीं दिया। अगले दिन खबर लगी कि उसमें 22 लोग मरे थे, सारे के सारे मुसलमान थे। तो जब मैं कल उधर गया, क्योंकि वायलेंस की खबर आई थी 24 तारीख को, कि 24 तारीख को 5 लोग मारे गए, एक सिपाही और 4 दूसरे लोग। तो सीलमपुर से इलाका शुरू होता है और करीब 5 किलोमीटर दूर तक, जिसमें जाफराबाद आता है, मौजपुर आता है, चांदबाग आता है, भजनपुरा आता है, करावल नगर आता है, बाबरपुर आता है, ये सब इलाका है। तो उस इलाके में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, होगी मेरे ख्याल से 70% के करीब, और बाकी हिंदू आबादी भी है। हिंदू आबादी में भी दो प्रकार के लोग हैं, आम मजदूर वर्ग के लोग और दुकानदार या थोड़ा संपन्न लोग। मुसलमानों में ज़्यादातर आदमी जो है मजदूर वर्ग का है या छोटा मैकेनिक, दस्तकार, इस तबके का आदमी, कुछ दुकानदार भी। तो जब मैं कल गया तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ, कर्फ्यू तो नहीं था, 144 धारा लगी हुई थी और सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के आगे से रोड बंद था, काफ़ी चौड़ा रोड है वो। तो गया तो करीब आधा किलोमीटर के बाद एक किनारे पे, सड़क के किनारे पे एक धरने की साइट थी, खाली सा दिखाई दिया, लेकिन अंदर गया तो देखा उसमें करीब 80-90 औरतें बैठी हुई हैं, 10-5 आदमी हैं। तो थोड़ी मायूस तो थे वो लोग, लेकिन जब मैंने उनसे बातचीत की तो किसी किस्म की उनके दिमाग में खौफ या किसी किस्म की दुर्भावना किसी के प्रति नहीं थी। तो मैंने महसूस किया कि ये लोग सचमुच कितने इनोसेंट हैं कि चारों तरफ नफरत की आवाज़ें उठ रही हैं, खौफ है, डर है, लेकिन बेफिक्री तभी इंसान में आती है जब अंदर से मैल ना हो। मैंने आधे घंटे उनसे बातचीत की, फिर मैं आगे चला गया। आगे गया तो जाफराबाद का इलाका आया। जाफराबाद के इलाके में सड़क के किनारे बहुत लंबी साइड थी, उसमें लगभग 1000 औरतें बैठी थी और करीब 700-800 या 500-700 आदमी खड़े थे किनारे पे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक कोई लड़की बात कर रही थी, उसने 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म की और फिर मेरे से बातचीत करने के बाद बोली आप इनसे बात कर लें। तो मैंने आधे घंटे उन औरतों से बातचीत की। मैं पिछले 2 महीने से कई जगह जाके बोल चुका हूँ, लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन जितने सुकून से औरतों ने मुझे सुना, रेप्ट टेंशन में 1000 औरतें और लगभग 500-700 आदमियों ने, वो देट वॉज अनयूजल। और ये तभी होता है कि आदमी में जो अंदर मेल नहीं होता है तो दूसरों को सोचता है कि ये हमें डिसरप्ट करने की कोशिश के लिए सब चल रहा है। तो मुझे एहसास ये हुआ कि ये जो पूरी की पूरी वायलेंस चल रही है, ये इसलिए चल रही है कि ये इसको डिसरप्ट किया जाए, ये इसको रोक दिया जाए। खैर मैं आगे गया, जब आगे गया तो मुश्किल से 100 मीटर आगे गया तो वहाँ पर मुसलमान यूथ का एक जमावड़ा था, लेकिन किसी ने रस्सी बांध रखी, इससे आगे नहीं जाना है। तो रस्सी के किनारे कुछ बच्चे बैठे, कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ खड़े थे, होगी 300-400 की तादाद होगी। तो हमने कहा कि क्या बात है, तो बोले आपको कहाँ जाना है, हमने कहा तुम्ही लोगों से बातचीत करनी है। तो फिर मैं रस्सी के बाहर निकल गया और उनसे बातचीत की 2-4 लोगों से। तो एक आदमी बहुत बड़ा तिरंगा झंडा लहरा रहा था वहाँ पे, लेकिन मुझे कोई ऐसी बेचैनी वाली बात महसूस नहीं हुई। मैं आगे चला गया, करीब आधा किलोमीटर जाने के बाद जब मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा तो वहाँ पर 3 झंडे लगे देखे, एक तिरंगा झंडा था, एक भगवान रंग का झंडा था और एक किसी लाल रंग का झंडा था, किसी देवता का, अब शायद बजरंग दल का होगा। तो और वहाँ पे 2-4 औरतें थी, लेकिन आदमी ही आदमी थे, बड़ी तादाद थी आदमियों की, और कईयों के हाथ में ईंट, कईयों के हाथ में डंडे, एक के हाथ में
बोतल, अब उसमें लगता था कि शायद कोई तेल वेल भरा होगा या पेट्रोल भरा हो, और इस प्रकार की और रूल जनरल बातें, बिल्कुल जैसे किसी स्कूल की जब छुट्टी हो जाती है और बच्चे जरा शैतान किस्म के होते हैं तो जरा अवरगर्दी की बातें करते हैं, उसी किस्म की बातें चल रही, यानी किसी किस्म का खौफ नहीं। और इतनी बलगर गालियाँ, वहाँ से सामने सड़क से काफ़ी हट के दूर एक बड़ी इमारत थी और उस पर से कुछ लोग खड़े थे, वो घर मुसलमानों के थे, तो उनको देख के गालियाँ दे रहे थे, बोले देखो पत्थर लिए हैं वो उधर। हमने कहा यार वहाँ से पत्थर कोई फेंकेगा तो तुम्हें लगेगा भी नहीं, पत्थर आदमी फेंकता है तो 30 फुट 40 फुट जाता है, वो जगह कम से कम तुमसे 100-150 फुट दूर है, क्या बात कर रहे हो, क्यों फेंकेगा ऊपर से पत्थर, सिर्फ आप ज़ुबान ख़राब कर रहे हो। मैंने 20-25 लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हमसे तो बदतमीजी किसी ने नहीं की, लेकिन लोगों के दिमाग में ये मैंने महसूस किया कि घृणा घर कर गई है। एक आदमी बोला हम मजा चखाएंगे, आज़ादी दिखाएंगे, आज़ादी होती क्या है। अरे हमने कहा आज़ादी का माने तुम तो समझ लो। तो खैर देना ही रियलाइज के ये आपस में सिर्फ बकवास करने वाली बात है, इसमें झगड़े का मुझे हमेशा नज़र नहीं आया, इसलिए मैं दो गाड़ियाँ पुलिस की आ गई। जैसी पुलिस की गाड़ी आई अपोजिट डायरेक्शन से, वो जाफराबाद की तरफ जा रही थी, और वो जब गुजर गई तो फिर मैंने तय किया कि मैं भी पीछे चलूँ। जब मैं पीछे आया तो तब तक देखा कि वो जो मुस्लिम लड़के थे उनकी तादाद कई गुनी बढ़ गई, उनके हाथ में भी 2-4 लोगों के हाथ में डंडे थे। मैंने कहा तुमने क्या कर रखा है। अच्छा पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा था, सामने पुलिस खड़ी थी, तो वो पुलिस को बैरिकेड को झकझोर रहे थे। हमने कहा तुम क्या शैतानी कर रहे हो। जब मैंने ऐसा कहा तो कम से कम 20 लोग उनको कहने लगे रुको जाओ, ऐसी कोई शैतानी नहीं करनी, ऐसी शैतानी नहीं करनी। मैंने कहा तुम्हारी लड़ाई पुलिस से नहीं है और अब जनता से भी नहीं है। फॉर्चुनेटली इसी बीच में वहाँ से एक मस्जिद थी बगल में, उससे ऐलान हुआ कि शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, इसी में हमारी बेहतरी है, इसी में सबकी बेहतरी है, ऐसा ऐलान हुआ। एंड इट हैड ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, हालांकि कुछ भागी नहीं, एजुकेशन खत्म नहीं हुआ। देन आई रियलाइज कि दिस इज द काइंड ऑफ थिंग रिक्वायर्ड एवरीवेयर। फिर मैं उम्मीद करने लगा कि मौजपुर में भी इसी किस्म का ऐलान अगर हो जाए, मौजपुर में भी नागरिक इस तरीके से निकल आए, तो कम से कम अभी जो आधा किलोमीटर का फासला है दो मॉब्स में, वो बना रहे, एक दूसरे से भिड़ ना जाए। क्योंकि मौजपुर में मैंने मैच देखा था कि सड़क पे पट्टी पड़ी थी ईंट के टुकड़ों से और पत्थरबाजी से, जो उसकी पहली रात में हुई थी वहाँ पे। तो मुझे दो बातों का एहसास हुआ। पहली बात तो ये कि मौत को काबू करने में हम जैसे अहिंसक लोग निकम्मे साबित हुए, हमें रिलाई करना पड़ता पुलिस पे, और हम जानते हैं कि पुलिस अक्सर पुलिस पक्षपात बरत जाती है, जो हुकूमत होती है उसके इशारे को समझती है या जो संपन्न वर्ग के लोग हैं उनके इशारों को समझती है, और उसका कहर आमतौर पर कमज़ोर तबकों पर पड़ता है। डिस्पाइट दैट हमें महसूस हुआ कि इस सूरत से निपटने का एक रास्ता पुलिस ही है, एक कमज़ोरी तो ये। दूसरी बात ये जो मुझे बहुत तकलीफ देने लगी कि हमने कभी एहसास नहीं किया कि कितनी गैर बराबरी है एक मुसलमान और एक हिंदू में इस मुल्क में। मुझे हिंदू हूँ तो मुझे खौफ नहीं है, ना पुलिस का खौफ है, ना कातिलों का खौफ है, क्योंकि हमारे धर्म वाले हैं वो, हम जानते हैं कि मतलब सबकॉन्शियस माइंड में बैठा बैठा पड़ा है कि अरे भाई पुलिस तो है दंगा फसाद वगैरह रोकने के लिए, और ये पूरी एक आर्मी खड़ी हो गई है ये सांप्रदायिक संगठनों की, तो क्राइसिस के बगैर दंगों के समय वो सामने आ जाएगी, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। और उधर मुसलमानों के सामने पुलिस का भरोसा कर नहीं सकते, और उनका उनके भी गुंडे हैं, लेकिन गुंडों में तादाद एक तो दे आर टोटली आउट नंबर, ना के बराबर, दूसरा गुंडों पर भरोसा करे कौन। तो ये लगा कि इस आदमी को तो हमेशा ही, हिंदुओं को तो दहशत होती है दंगों के वक्त, अगर कभी होती होगी तो जिन इलाकों में हिंदू कम तादाद में है तो ऑब्वियसली उनको भी दिक्कत होती होगी, लेकिन मुसलमानों को तो जब दंगे फसाद की सूरत नहीं है तब भी डर लगता है कि पता नहीं कौन हमसे कब क्या कह बैठे, कौन हमारे साथ क्या कर बैठे। तो उनकी इनसिक्योरिटी आई कुड फील मोर इंटेंसली यस्टरडे। ये बात बड़ी तकलीफ देह है, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, हिंदू हों चाहे मुसलमान, ना तो हम हिंदू पैदा हुए ना मुसलमान पैदा हुए, ना हिंदू मुसलमान मरेंगे, हम तो इंसान पैदा हुए इंसान ही मरेंगे। और सूरत ये पैदा हो गई
कि अगर मेरे नाम पर त्रिपाठी लिखा है या जैन लिखा है या वर्मा लिखा है तो मैं ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित और ज़्यादा सिक्योर महसूस करूं, और अगर अली लिखा है या फैज लिखा है तो मैं दबके रहूं, डरके रहूं। ये मैं कल बहुत तीव्रता से मैंने इस बात को तेज़ी से महसूस किया, और ये बड़ी पेनफुल चीज़ है। जहाँ तक प्रोटेस्ट का सवाल है, मैं फिर भी महसूस करता हूँ कि आज 1924 में गांधी जी जब थे तो वाईकोम एक सत्याग्रह चलवाया। वाईकोम केरला का एक त्रावणकोर राज्य था, उसका एक जगह थी, वहाँ एक मंदिर था, उसके आसपास के रास्तों से दलितों को जाने नहीं दिया जाता था। सत्याग्रह इस बात के लिए चल रहा था कि वहाँ से लोग जा सकें। तो सत्याग्रह कई महीने चला वो, तो वहाँ के कई लोगों ने सत्याग्रहियों के आँखों में चूना फेंक दिया और काफ़ी यातनाएं दी उनको। उसके बावजूद भी चला और कामयाब भी हुआ। तो गांधी जी ने उस वक्त लिखा था कि त्रावण को राज्य इतना शक्तिशाली है, वो अपना फर्ज भूल गया है कि सच्चाई की आवाज़ दबाने की जो इस प्रकार की कोशिशें की जा रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। यानी राज्य को उनके जिम्मेवारी का एहसास गांधी जी ने तब दिलाया था। आज भी हमारे लिए ज़रूरत है कि सरकार को ये एहसास दिलाएं कि जो प्रोटेस्ट चल रही हैं, एक कानून जिसके इम्प्लीकेशन बहुत ख़राब हैं उसके खिलाफ चल रही हैं। नागरिकता में आपने धर्म का जहर ठूंसा है, धर्म का भेदभाव ठूंसा है, धर्म की अच्छाई नहीं ठूंसी, और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रही हैं। और ये प्रोटेस्ट करने का हक इंसान का है, और उसको रोकने उसके ऊपर हमला कर दिया गया। ये जो CAA प्रोटेस्टर्स आ गए, CAA के समर्थक प्रोटेस्टर आ गए, प्रोटेस्टर क्या है को ये तो सीधे हमला करने आए थे उन पर। यानी आप पुलिस के जरिए जो चीज़ नहीं रुकवा सकते, गुंडों को भेज के, कातिलों को भेज के करवाओ, और आपने नहीं कराया तो आपके साथियों ने कराया, आपके पुराने नेताओं ने बयान दिए, लोगों को लेके आ गए। आखिर ये क्या चीज़ है? ये स्टेट के ऊपर रिफ्लेक्शन है। और 1924 में गांधी ने जो बात कही थी वो हमारे नेताओं को आज समझनी चाहिए। आज आप हुकूमत में हो, एक BJP के नेता के रूप में नहीं, आप प्रधानमंत्री के रूप में, गृहमंत्री के रूप में सत्ता में बैठे हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है। और हम जैसे अहिंसक कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी ये बनती है कि ये जो प्रोटेस्ट औरतें चला रही हैं, 1942 के बाद सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है ये किसी पॉजिटिव कॉज के लिए, जब हमारे मुल्क की लड़कियां और लड़के खड़े हो गए हैं, तो उसको हम अकारत न जाने दें, वो चलना चाहिए। और उसी में हिंदुस्तान की बेहतरी है, आज़ादी के माने ये नहीं होता कि साहब हमारे मुल्क का ही, हमारी शक्ल सूरत का आदमी हुकूमत में बैठ गया और ऐसा निजाम चला रहा है, ऐसी व्यवस्था चला रहा है कि आदमी आदमी से जुदा हो जाए, आदमी आदमी का दुश्मन बन जाए। ये व्यवस्था साम्राज्यवादी कहलाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाइसराय गोरे रंग का है कि अंग्रेज रंग का है या काले रंग का या पीले रंग का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सामाजिक कार्यकर्ता इन प्रोटेस्ट को ताकत दें, और भगवान हमें ताकत दे कि हम घर में छुपे नहीं, बस्तियों में जाएं, लोगों के जुनून को ठंडा करें, इसकी ज़रूरत है। आज हमें वो ताकत नहीं है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ेंगे तो कल भगवान वो भी ताकत देगा, इसकी ज़रूरत है।